नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। इस बुलेटिन में आज बात होगी दिवाली पर सस्ते हुए पेट्रोल डीजल की, दीपावली मनाने देश के जवानों से मिलने पहुंचे पीएम की, जानेंगे उपचुनाव के असर से बीजेपी क्यों बदल रही है अपनी रणनीति, बिटकॉइन घोटाला कैसे बना बीजेपी के लिए गले की हड्डी, बात करेंगे पंजाब को लेकर आए हरीश रावत के बयान की, राहुल गांधी के शाहरुख खान को लिखे एक पत्र की और बुलेटिन के आखिर में बात चीन को लेकर हुए बड़े खुलासे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आरएन केस में एनसीबी के गवाह किरण गोसावी की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई के लोअर परेल की सीसीटीवी में नजर आई पूजा ददलानी की कार। प्रभाकर सेल के एफिडेविट में पूजा ददलानी के लोअर परेल आने का किया गया था जिक्र। सीसीटीवी से ददलानी और केपी गोसावी की मुलाकात की हुई पुष्टि। दलित संगठन ने समीर वानखेड़े के खिलाफ खोला मोर्चा। स्क्रूटनी कमेटी से रिपब्लिकन आर्मी और भीम आर्मी ने की शिकायत। कहा समीर वानखेड़े ने सरकारी नौकरी के लिए दिखाए फर्जी दस्तावेज। WHO से मंजूरी मिलने के बाद अमेरिका ने टीकों वाली सूची को किया अपडेट। कोवैक्सीन लगवाने वाले भी कर सकेंगे यात्रा। शुक्रवार को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी। 8 क्विंटल फूलों से सजा है मंदिर। केदारनाथ में 180 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे पीएम। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। उपचुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद अब बीजेपी को भी महंगाई के साइड इफेक्ट समझ में आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने तो खुलकर बोल दिया कि महंगाई के चलते हिमाचल में बीजेपी को हार मिली है। इसके बाद बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करने का ऐलान हुआ। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों को भी ऐसे ही कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए। इसका असर भी दिखाई दिया है। कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल से एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। महंगाई के मुद्दे पर जनता के गुस्से का सामना कर रही भाजपा को अब थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बुधवार को केंद्र सरकार के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर लगने वाले वैट को घटाने के बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा की सरकारों ने भी दोनों ईंधन पर लगने वाले वैट में कटौती की है। इनमें से यूपी, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और मणिपुर में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं। वैट में कमी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में होने वाले टैक्स कलेक्शन में तकरीबन 60,000 से 65,000 करोड़ की कमी हो सकती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पेट्रोल पर 7 रुपए लीटर और डीजल पर 2 रुपए लीटर वैट घट गया है। इस तरह अब यूपी में पेट्रोल और डीजल दोनों 12-12 रुपए सस्ते हो गए हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को पेट्रोल और डीजल पर वैट में 3 रुपए प्रति लीटर की कमी की घोषणा की, जो 5 नवंबर की मध्य रात्रि से लागू होगी। हरियाणा सरकार की घोषणा से राज्य में पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक कम हो गए हैं। बिहार सरकार ने पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 1.90 रुपए प्रति लीटर वैट कम किया है। अब बिहार की जनता को पेट्रोल 6.5 रुपए लीटर और डीजल 11.90 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। हालांकि हिमाचल की भाजपा सरकार ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी करने की घोषणा की है, लेकिन कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। लंबी परेशानी के बाद अब कुछ राहत मिलती दिख रही है। केंद्र के बाद राज्य सरकारें भी पेट्रोल और डीजल से टैक्स कम कर रही हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी दीपावली के अवसर पर हुई है। आज पूरा देश दिवाली पर्व मना रहा है। देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली का पर्व एक बार फिर से जवानों के साथ मनाया। आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार उत्साह से मनाया जा रहा है। सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामना संदेश दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों के सुख और उनकी संपन्नता की कामना करते हुए ट्वीट किया। दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि यह प्रकाश पर्व आप सभी के जीवन में सुख, संपन्नता और सौभाग्य लेकर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोगों के जीवन में प्रकाश नई ऊर्जा लेकर आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रकाश व खुशियों का यह महापर्व सभी के जीवन को नई ऊर्जा, प्रकाश, आरोग्य और समृद्धि से आलोकित करे।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने दिवाली के मौके पर बधाई दी है। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा, दीपक का उजाला बिना किसी भेदभाव के सबको रोशनी देता है, यही दीपावली का संदेश है। अपनों के बीच दिवाली हो, सबके दिलों को जोड़ने वाली हो। इस बीच देश की सरहदों पर तैनात जवानों को दिवाली की बधाई देने और उनके साथ त्योहार मनाने के लिए गुरुवार को पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर पहुंचे। पीएम ने जवानों से मुलाकात की और उन्हें त्योहार की शुभकामनाएं दी। पीएम के पहुंचने से जवानों का उत्साह दोगुना हो गया। पीएम को अपने बीच पाकर जवानों ने खुशियां जताई। तो आज पूरे देश में दीपावली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सभी दलों के राजनेताओं की तरफ से देशवासियों को शुभकामना के संदेश दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों की सुख और समृद्धि की कामना की है। सभी खुशी के त्योहार को मना रहे हैं, लेकिन बीजेपी में खुशी नजर नहीं आ रही, जिसका कारण है हाल ही में आए उपचुनावों के नतीजे, जिन्हें देखकर कहा जा सकता है कि बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही है और कांग्रेस मजबूत हो रही है। देश में जल्द ही 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इसे लेकर बीजेपी ने अभी से ही अपनी कमर कस ली है। लेकिन उपचुनाव में मिली हार का असर यूपी, गोवा, गुजरात और उत्तराखंड पर भी पड़ सकता है, क्योंकि उपचुनावों में हिमाचल प्रदेश में पार्टी को लोकसभा की एक अहम सीट गंवानी पड़ी। इसके अलावा विधानसभा की अपनी सीट भी बरकरार नहीं रख पाई। पश्चिम बंगाल में पार्टी ने न सिर्फ सीटें गंवाई बल्कि उसका वोट प्रतिशत 40% से घटकर 15% से भी कम रह गया। इसलिए पार्टी अभी से ही अपनी हार से सबक सीखने की कोशिश कर रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को प्रभारी बनाया जा सकता है। जहां बीजेपी बंगाल में अपनी लाज बचाने की कोशिश में है, तो वहीं पहाड़ों पर भी उसकी परेशानी बढ़ रही है। हिमाचल में पार्टी को अगले साल विधानसभा चुनाव का सामना करना है, लेकिन उससे पहले ही उपचुनाव में उसकी बुरी हार हुई है, जिसके बाद परिवर्तन की चर्चाओं ने जोर पकड़ा है। यहां तक कि पार्टी नेतृत्व राजस्थान के नतीजों से भी सकते में है, इसलिए नेतृत्व इस बार विधानसभा चुनाव में वसुंधरा को सीएम पद का चेहरा नहीं बनाना चाहता। पार्टी का मानना है कि वसुंधरा खेमे की वजह से ही हार झेलनी पड़ी है, यही वजह है कि राज्य में नया नेतृत्व उभारने की कवायद हो रही है। उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ कई राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। इसके अलावा पार्टी किसी भी राज्य में पुराने चेहरे को लेकर मैदान में नहीं उतरेगी, यानी साफ है बीजेपी हार की वजह पुराने नेताओं को मानती है, इसलिए अब की बार वो नए चेहरों के साथ मैदान में उतर आएगी। अब देखना होगा कि क्या इस रणनीति से वो अपनी लाज बचा पाएगी या नहीं। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है, जिसके चलते ही सरकार से लोग नाराज हैं और उसी का असर उपचुनावों में भी दिख रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में भी बीजेपी अपनी सीटें नहीं बचा पाई, यहां तक कि कर्नाटक के नए सीएम बोम्बई के गृह क्षेत्र की सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई, जिसके बाद बोम्बई मुश्किल में है और बीजेपी की हार से कांग्रेस के हौसले और भी ज्यादा बुलंद हो गए हैं, जिसके बाद कांग्रेस ने अब राज्य सरकार को बिटकॉइन घोटाले में घेर लिया है। बेंगलुरु में क्रिप्टो करेंसी हैकर से जुड़े 11 महीने पुराने एक मामले की प्रवर्तन निदेशालय की जांच अब कर्नाटक में एक राजनीतिक ब्लेम गेम में बदल रही है, जिसमें विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी और घोटाले में शामिल अधिकारियों और जांच एजेंसियों पर उन्हें बचाने का आरोप लगा रहा है। इसी कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बुधवार को राज्य सरकार से बिटकॉइन घोटाले की जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय को लिखी गई चिट्ठी को जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार बिटकॉइन घोटाले पर भ्रामक बयान जारी कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को ईडी को मामला सौंपने पर मीडिया को सूचित करने का बयान देखा है। हम मौखिक बयान पर विश्वास नहीं कर सकते। आपको बता दें, 18 नवंबर 2020 को केंद्रीय अपराध शाखा के अधिकारियों ने बेंगलुरु के एक हैकर श्रीकृष्ण रमेश से 9 करोड़ रुपए के बिटकॉइन जब्त किए थे, जिसने क्रिप्टो करेंसी बिजनेस में काम करने वाले लोगों के अकाउंट को हैक कर दिया था। इस मामले में कांग्रेस ने पहले भाजपा पर हमला किया था कि वह हजारों करोड़ रुपए से जुड़े बिटकॉइन और ड्रग्स घोटाले को दबा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि घोटाले में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को भारी रिश्वत मिली है। अब देखना होगा कांग्रेस के इस प्रहार पर बोम्बई सरकार क्या करती है। अब इस घोटाले के चलते कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन पंजाब में खुद कांग्रेस अभी मुश्किल में ही चल रही है, क्योंकि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। नवजोत सिंह की नाराजगी से पहले ही पार्टी परेशान है और अब अमरिंदर सिंह की नई पार्टी बनाकर कांग्रेस टेंशन में आ गई है, जिसके बाद अब हरीश रावत का बयान भी सामने आया।
कैप्टन को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया? सिर्फ सिद्धू की नाराजगी के चलते कैप्टन से लिया गया इस्तीफा, या फिर कैप्टन की अलोकप्रियता पड़ सकती थी चुनावों में कांग्रेस पर भारी, इसलिए पार्टी ने पंजाब में बदल दिया सीएम, या फिर कोई और कारण था जिसके चलते चली गई कैप्टन अमरिंदर सिंह की कुर्सी? ये सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद से ही उठ रहे थे, और अब इन सभी सवालों का जवाब कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व पार्टी प्रभारी हरीश रावत ने दे दिए हैं। हरीश रावत ने दावा किया कि कैप्टन को हटाने की मांग पार्टी विधायक ही कर रहे थे। कैप्टन पंजाब में कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हुए थे। पंजाब में कांग्रेस को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री को बदलना जरूरी था। रावत ने कहा कि चुनाव करीब था, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह उस तरह काम नहीं कर रहे थे जो एक मुख्यमंत्री को बतौर लीडर करना चाहिए। वो तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। उनके बारे में एक बात प्रचलित थी कि वो भाजपा के दबाव में है और पंजाब में कांग्रेस की हार तय कर रहे हैं। उनके राज्य में अधिकारी कांग्रेस नेताओं की नहीं सुनते थे, बल्कि अकाली दल से निर्देश ले रहे थे। पार्टी ने कैप्टन को सुधरने का बहुत समय दिया। पंजाब में लागू करने के लिए 18 सूत्रीय कार्यक्रम भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने उसे भी लागू नहीं किया। पंजाब कांग्रेस के 43 विधायक विरोध में आ गए। उनकी मांग पर हमें विधायक दल की बैठक बुलानी पड़ी। कैप्टन को उस बैठक में आना था, लेकिन वो बैठक में आने की जगह राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने चले गए। रावत ने कहा कि कांग्रेस ने कैप्टन को बहुत सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिनों में कांग्रेस का लाभ उठाने वाले कैप्टन अब मौका देखकर बीजेपी से नजदीकी बढ़ा रहे हैं। ऐसे नेताओं की कांग्रेस को जरूरत नहीं है। हमने समय रहते कैप्टन के मंसूबे समझ लिए। हरीश रावत का कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से लाभ लेकर बीजेपी के करीब चले गए थे। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन को सीएम पद से हटाना कांग्रेस की मजबूरी बताया, यानी कैप्टन को बीजेपी से नजदीकी का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस से नजदीकी का नुकसान शाहरुख खान को उठाना पड़ा था, और इस नजदीकी के चलते आर्यन खान को मामले में फंसाया भी गया। ये नजदीकी कितनी गहरी है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब आर्यन जेल में थे तो राहुल गांधी ने शाहरुख खान को एक पत्र लिखा था। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को आर्यन खान को गिरफ्तार किया। एनसीबी की ओर से आर्यन को ड्रग्स का कारोबारी साबित करने की कोशिश की गई, लेकिन हाई कोर्ट में एनसीबी की दलीलें टिक नहीं पाई और आर्यन खान को जमानत मिल गई। आर्यन जब जेल में थे तो उस समय राहुल गांधी ने शाहरुख खान को खत लिखा था। शाहरुख खान को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है, और दावा तो यहां तक किया गया था कि आर्यन पर केंद्रीय जांच एजेंसी की कार्रवाई शाहरुख खान पर दबाव बनाने के लिए ही हुई थी, ताकि वो कांग्रेस का किसी भी मंच पर समर्थन ना करे। शाहरुख केंद्र के दबाव में झुके नहीं। राहुल से नजदीकी के चलते अब उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर ही 14 अक्टूबर को शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी के नाम राहुल गांधी ने पत्र लिखा था। पत्र में राहुल गांधी ने कहा कि अपने किसी अजीज को इस तरह की स्थिति में देखना आसान नहीं है। मैं जानता हूं कि आप दयालु हैं और समाज में आपने यश कमाया है, इसलिए मैं आपके परिवार के लिए इतना व्यापक समर्थन देख पा रहा हूं। पूरा देश आपके साथ है। सच्चाई को अधिक समय तक बंधक नहीं बनाया जा सकता। जिस समय राहुल गांधी ने शाहरुख को ये खत लिखा था, तब आर्यन मुंबई की आर्थर रोड जेल में थे। राहुल के पत्र में और क्या लिखा था, इसका खुलासा ना तो शाहरुख ने किया और ना ही कांग्रेस नेताओं ने इसकी जानकारी दी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे राहुल गांधी और शाहरुख खान के बीच का व्यक्तिगत मसला बताया। और बुलेटिन के आखिर में बात भारत के खिलाफ चीन की साजिश की करते हैं। चीन भारत के खिलाफ साजिश करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। पिछले साल से चीन और भारत के बीच सीमा विवाद चल रहा है, जिसे खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच 13 तौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य ही रहा है। तनाव कम होने की बजाय बढ़ रहा है। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं से भी देश में घुसने की कोशिश की। अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिससे भारत के खिलाफ चीनी साजिशों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। तो क्या है ये खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। 2020 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद शुरू हुआ था, जो अभी तक जारी है। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा विवाद तो सिर्फ भारत का ध्यान भटकाने के लिए किया गया था, असली मकसद तो कुछ और ही था। दरअसल सीमा विवाद में उलझाकर चीन एलएसी पर अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा था। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने अपनी नई रिपोर्ट में खुलासा किया है कि चीन ने साल 2020 में भारत के साथ सीमा विवाद के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के दूरदराज वाले इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क का तार छा दिया।
इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रही थी, भारत सीमा विवाद में उलझा था, तब चीन अपनी तैनाती पर जोर दे रहा था। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से भी भारत में प्रवेश करने की कोशिश की, जिससे हमारी सेना का ध्यान सिर्फ सीमाओं पर ही लगा रहे। लेकिन असल में तो चीन के मंसूबे कुछ और ही थे। रिपोर्ट में बताया गया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पश्चिमी हिमालय के दूर दराज के इलाकों में फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है ताकि कम्युनिकेशन में तेजी आ सके और विदेशी इंटरसेप्शन से सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। इस सेटअप से चीन को बड़ा फायदा मिला है। इस सेटअप से ड्रैगन को रियल टाइम इंटेलिजेंस और सर्विलांस में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच अभी तक शांति बहाल नहीं हुई है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट में हुए खुलासे के बाद भारत सरकार कोई कदम उठाती है या फिर हर बार की तरह इस बार भी चुप्पी साधे बैठी रहती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए जीबी लाइव। नमस्कार।